तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, करनाल के लिए भी एक गर्व की बात है कि करनाल के बुटाना गांव के किसान सुल्तान सिंह को आज किस तरह से राष्ट्रपति, हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जो है पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। ये तस्वीरें समय करनाल की रोड धर्मशाला से देख सकते हैं, जहां पर आज सुल्तान सिंह जो करनाल के ही बुटाना गांव के रहने वाले हैं, फिशरीज में, मछली पालन में उन्होंने ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी किस तरह से भारत का, अपने शहर करनाल का और अपने समाज का और अपने पूरे समाज का और किसानों का खास तौर पर जो है किस तरह से नाम रोशन किया है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर करें, करनाल की रोड धर्मशाला में किस तरह से उनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो सुल्तान सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत कम होता है कि जब किसी किसान को जो है पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाए। जी हाँ, आज हमें भी ये खबर करते हुए अपने हमें गर्वान्वित महसूस हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं करनाल के ही रहने वाले हैं, सालों से यहाँ रहते हैं। बुटाना गाँव जो नीलोखड़ी क्षेत्र में पड़ता है, हमने पहले भी कई बार इनकी खबरें की हैं। इन्होंने अपना वहाँ पर एक फार्म हाउस डेवलप किया हुआ है मछली पालन के क्षेत्र में। इनको ना पहली बार सम्मानित नहीं किया गया बल्कि देश और विदेश में पहले भी कई बार ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और आज पद्मश्री अवार्ड लेने के बाद महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इनको यह अवार्ड सौंपा गया, आज दिया गया, जिसके बाद जो है आज करनाल की रोड धर्मशाला में इनका जोरदार तरीके से सभी लोगों द्वारा यहां पर स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं कि सभी प्रधान मौजूद हैं। आज पद्मश्री अवार्ड से सुल्तान सिंह जो बुटाना गांव के रहने वाले हैं, रोड बिरादरी से हैं, आज वो करनाल पहुंचे हैं। पहले पानीपत रोड धर्मशाला में उनका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ और अब जो है करनाल में उनका स्वागत हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। सुल्तान सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुल्तान सिंह जी, करनाल वासियों की तरफ से सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रोफाइल में आज आपको सम्मानित किया गया है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मैं पिछले 36 साल से इसका मछली पालने का काम कर रहा हूँ, और पहले जब मैंने काम शुरू किया तो गांव के पंचायती तालाब लेके पट्टे पर उसमें शुरू किया था, तो 1.5 साल के बाद मेरे को उसमें काफ़ी प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपनी ज़मीन में, जो मेरे घर की ज़मीन थी, उसमें मैंने मछली फार्म बीज बनाने का काम किया। आज मेरा जो फार्म है वो 30 एकड़ में है, और मैं उसमें 16 किस्म की मछलियों का बीज पैदा कर रहा हूँ। मैंने इसके अंदर 4 मछलियों का बीज ऐसा पैदा किया है जो हमारी लुप्त हो चुकी हैं, जो नदी नालों से जो असली मछली थी हमारी इस देश की, तो वो फैक्ट्रियों का केमिकल जाने की वजह से या कोई पोल्यूशन होने की वजह से या तो वो जगह छोड़ चुकी है या वो वहाँ पर मर चुकी हैं। तो उनमें से हमने कुछ मछलियों के पेरेंट बचाए हैं, अब मैं उनकी ब्रीडिंग कर रहा हूँ और मैं फार्मर को देके उसको दोबारा से जिंदा करूँगा इस चीज़ को। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो सर, कैसा लग रहा है आज की राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जो है आज आपको सम्मानित किया गया, पद्मश्री अवार्ड दिया गया और आज करनाल की रोड धर्मशाला में आज पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है आपको? आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ क्योंकि जो मेरी पिछले 36 साल की जो मेहनत थी वो आज मेरे को पद्मश्री दे के उन्होंने वापस किया उस मेहनत को। तो मैं सबसे ज़्यादा महामहिम राष्ट्रपति जी का शुक्रगुजार हूँ जो आज मेरे को राष्ट्रपति भवन देखने को मिला और उसमें मेरे को सम्मानित होने का मौका मिला। सर, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आजकल के जो नौजवान हैं वो खासतौर पर पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी जो है विदेशों की तरफ ज्यादा जाते हैं, उनके पास जमीन है, जायदाद है, अगर वह एक इंटेलिजेंसी तरीके से पढ़ लिख कर अगर खेती बाड़ी करते हैं तो वह भी काफी ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इन भाइयों को सबको यही एक संदेश दूंगा, जो भाई पढ़ लिख करके ये सोचते हैं ना भैया मैं या तो अमेरिका जाऊँ या मैं नौकरी पाऊँ, इन दोनों चीज़ को अगर उनके पास अपनी ज़मीन है उसके अंदर वो 1 एकड़ के अंदर ही 10 लाख रुपया प्रति वर्ष, मैं गारंटी से कहता हूँ वो कमा सकते हैं। मोदी जी का भी ये सपना है भाई किसान की आय दुगनी हो, जो पढ़े लिखे नवयुवक होंगे वो हाई टेक्टिक सिस्टम से खेती करेंगे, और उस आप क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी स्कीमें चला दी हैं, गवर्नमेंट मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए इन जिम्मेदारों ने, वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि पहले जो बैंक से लोन लेते थे वो बड़ी मुश्किल में मिलता था, आप कहते हैं कलेक्टर सिक्योरिटी दो, अब मोदी जी ने 10 लाख से लेके 50 लाख तक का ऋण युवाओं के लिए बिना कलेक्टर सिक्योरिटी के देने का लिए हर बैंक में उन्होंने एक प्रावधान रखा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो बैंक से अपना एक बिना सिक्योरिटी के लोन लेके एक हाई टेक सिस्टम से खेती कर सकता है।
तो ये आप देखते हैं कि सरकार की तरफ से भी किसानों को वह तमाम सुविधाएं जो है दी जा रही हैं, लेकिन जरूरत है कि उसको समझने की, उसको आगे जाने की। और कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है कि आज पद्मश्री अवार्ड से सुल्तान सिंह बुटाना को आज सम्मानित किया गया है। आज करनाल पहुंचे पद्मश्री अवार्ड, राष्ट्रपति महामहिम द्वारा ये अवार्ड दिया गया। कुछ और समाज से जुड़े यहाँ लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, सर कैसा लगा आज आपको कि आप ही के एक भाई हैं, किसान हैं, उनको आज सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? आज सुल्तान सिंह जी ने सारी बिरादरी का, रोड बिरादरी का और करनाल जिले का नाम भारत के अंदर रोशन किया है। ये पहले भी विदेशों के अंदर हमारा समाज का नाम बढ़ा चुके हैं और मैं तो इनसे एक ये प्रेरणा, जिस तरह से प्रेरणा समाज को दे रहे हैं, और ये एक मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इनको भारत रत्न से भी सुशोभित किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये भारत रत्न भी जरूर लेकर आएंगे, जिससे हमारे हरियाणा का नाम, करनाल का नाम और सारे रोड समाज का नाम रोशन करने का काम करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि अपने आप में एक गर्व की बात है और सभी लोग आज किस तरह से आज गर्वानंद महसूस कर रहे हैं। और इस समय हमारे साथ नसीम सिंह जी हैं, प्रधान हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज सुल्तान सिंह जी जो किसान है, एक किस तरह से पहले भी इनको कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया और आज भी जो है आज ये पद्मश्री अवार्ड लेकर करनाल पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर एग्रीकल्चर सेक्टर में पहली बार पद्मश्री अवार्ड मोदी सरकार ने दी है। हम विशेष तौर पर राष्ट्रीय जो सरकार है हमारी, उसका विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहते हैं कि सुल्तान सिंह के साथ साथ तीन साथियों को भी पद्मश्री एग्रीकल्चर सेक्टर में मिला है, विशेष बात है। और 2015 में हमने इनकी अचीवमेंट देख करके रोड रत्न से सुल्तान जी को हमने सम्मानित किया था। और जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं भी बच्चों को आगे प्रेरणा देने के लिए भी, ताकि वो बच्चे दूसरे सेक्टर में ना जा करके एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिशरी के इसमें आगे बढ़ने का काम करें, ताकि बेरोजगारी इस प्रदेश में वो कम से कम हो सके। जी क्या कहना चाहेंगे सर? मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक किसान की पहचान की कि एक किसान नीलोखेड़ी में रहते हो और भारत का मार्गदर्शन करता है। तो मैं मोदी जी को बार बार धन्यवाद करूंगा कि ऐसे किसानों को सम्मानित करते रहें और आय के दुगना साधन उनकी बढ़ती रहे। तो ये लाइव तस्वीरें से मैं आप देख सकते हैं, पवन ढाकला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज किसान भाई आपके सम्मानित हुए हैं, एक अपने आप में काफी गर्व की बात है। आज मुझे किसान पुत्र होने पर ना गर्व है, गर्व। इससे पहले क्या होता था कि किसानी या कोई ऐसे पेशे थे, लोग कहीं ना कहीं उसको एक हीन भावना से देखते थे या मानते थे कि अगर ये नहीं पढ़ लिख रहा तो इसको, चलो इसको खेती करवा देते हैं। लेकिन इन्होंने वो एक रूप ही बदल दिया, मतलब एक सिस्टम ही बदल दिया पूरा का पूरा। आज मतलब मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं दूध बेचता हूँ, ये मछली पालन करते हैं, कोई डेयरी चलाता है, कोई कुछ करता है। तो इन्होंने एक रास्ता खोला है युवाओं के लिए, पूरे देश के लिए, कि एक छोटा सा किसान, एक छोटे से गांव का किसान, एक छोटी सी टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन पेशेंस के साथ, मेहनत के साथ कुछ भी कर सकता है। और जिस तरह से आज ये पद्मश्री लेके आए हैं, हम सब उम्मीद करते हैं, सारा का सारा हरियाणा ये उम्मीद करता है कि इनको भारत रत्न भी जरूर मिलेगा। तो ये तस्वीरें से मैं आपने देखी करनाल की रोड धर्मशाला में, जहां पर आपने देखा कि सुल्तान सिंह बुटाना को किस तरह से मछली पालन के क्षेत्र में देश विदेश में नाम चमकाने को लेकर और कई किसानों को, हजारों किसानों को जो है अब तक ये अपने क्षेत्र में प्रोत्साहित कर चुके हैं, जिससे वे आज अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेश के किसानों को भी इनकी तरफ से कई बार यहाँ पर उनके फार्म हाउस में आकर काफी प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में गर्व की बात है। हम करनाल के तमाम लोगों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं सुल्तान सिंह बुटाना से एक प्रोत्साहन लेकर, कहीं ना कहीं सीख लेकर आगे और जो जितने भी नौजवान युवक हैं, जो किसान परिवारों से संबंधित हैं, वे आगे जाकर इस तरह से आगे और ज्यादा नाम कमा सकते हैं। कमल मीडिया करनाल, ब्रेकिंग न्यूज करनाल।